विशेष विशेष धन्यवाद हम फ्लैटबुश ऑकलैंड न्यूजीलैंड से आपके बीच में त्रिदिवसीय श्री राम कथा को लेकर के श्रीमान और श्रीमती अखिलानंद शर्मा जी के ग्रह से लाइव आ रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि कई दिनों का संकल्प आज हमारे श्री अखिला जी का और इनके धर्म पत्री का, इनके पुत्री का, इनके जमाई राजा का, इनके भाइयों का, इनके निकट के संबंधी जन, खास करके हमारे विशेष मेहमान आज हैं। मेहमान तो नहीं बोले, घर वाला है हमारे श्रीमान जय फ्रेश के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान जय जी अपने परिवार के साथ में आए हुए हैं। इनका भी सुस्वागत है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज तौला पर हमारे पुनः एक बार साथ हो गए हैं नमन स्वामी बेटा और उनके ज्येष्ठ भ्राता श्री कार्तिक हमारे साथ में हारमोनियम पर भी साथ दे देंगे, मंजीरा पर साथ देंगे। आइए हम आपको ले चलेंगे किस चिंता का, ठीक है, हनुमान जी की कथा से वहां शुरू करेंगे, लेकिन गणपति भगवान का स्मरण करेंगे हमारे कार्तिक और कार्तिक के साथ में हम लोग कुछ पूजन करेंगे भगवान गणपति का, माँ सरस्वती का, राम जी का, हनुमान जी का, फिर हम लोग आज के प्रसंग जो है वो हम लोग 9:45 तक आज करेंगे, ठीक है। ठिकाना करो आरती के सब कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। जय गणेश जय गणेश देवा माता जति पार्वती प्रचोदयात्।
स्वस्ते श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्ये नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो, सुनाओ कथा सीतानाथ संभारम्भां, श्री रामानन्दार्य मध्यमां, अस्मदाचार्य परन्तां वन्दे श्री I'm
करी वर वदना जासो हृदय अगर वसौ राम सरचाप धरा याही समय सुमिरन करो सुनहु वीर हनुमान आई के आसन दीजिए सिया सहित भगवान। एक फूल हाथ में लेना भैया ठीक सुमन सुगंधित सुमन ले सुमन सुगति सुधा पुष्पांजलि अर्पण करो पुष्पांजलि अर्पण करो श्री महावीर सहित श्री राम पुष्पांजलि सर्व्या बहुत बहुत प्यार से बहुत श्रद्धा से बैठ करके हम श्री भगवान रामचरित्र मानस की इस पावन कथा को सुने और मुझे पुनः एक बार बहुत बहुत प्रसन्नता के साथ में आज सभी परिवार के साथ में मिल करके बैठ करके इस गुणानुवाद को करना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है। मैं एक दो कार्य इस घर पर नहीं पहले लेकिन इन्हीं के घर पर किए हैं। बहुत सारा प्यार मिला है हमारे दोनों और भाई हैं हमारे राजेंद्र भैया और रमेश भैया उनके समस्त परिवार और हमारे ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में सचिन भैया उनको भी याद कर लेते हैं अगर आप देख रहे हैं तो उनको भी हमारे साथ में पड़े हैं। हम लोग दोनों लंगोटिया यार हैं। न्यूजीलैंड में पहली बार 1976 में उनका सानिध्य हुआ तो बाद में चल करके फिर अकेला भैया से भी हमारा समन्वय हुआ। आइए भाव से चले हम आज का प्रसंग में डूबेंगे। हम लोग संक्षिप्त स्थापना पूजन किए और आप देख रहे हैं बड़े सुंदर सजावट के साथ में बहुत मेहनत करी हमारे मयूर जमाई राजा बहुत मेहनत किए हैं। देखो कितना प्यार से सब मंगाए हैं कितना सुंदर लग रहा है पीछे गणपति भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं सब कुछ हाँ सबका हाथ रानी आपको भी याद है ना हाँ जा रहा है आपका हाथ है। चलो कोई बात नहीं घर की बेटी हो और रजत और श्रीमती जी आपका दोनों का भी बहुत सानिध्य है साथ साथ है। आइए हम विलंब न करें और जितना देर बैठेंगे कथा में कथा का कोई ना कोई ऐसा भाग्य आपके मन छू जाए आपके हृदय छू जाए यही हमारा प्रयास रहता है। और मेरे ख्याल में शायद आज मेरे लगभग 26 डेज हो गए हर रात्रि प्रोग्राम चलता रहा और जब भैया जय मिले हमें परसों तो हम तो खेत प्रकट कर दिए कि नहीं भाई शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था लेकिन मैंने अपना गीता पाठ छोड़ा नहीं। जहां जहां भी दो दो जगह गीता कर रहा था मैं मुश्किल से पहुंच करके थोड़ा देर के लिए भगवान से प्रार्थना करता था कि थोड़ा देर खांसी बंद हो जाए बस ताकि हम चैन का सांस ले पाए और हम भगवान का गुणवाद कर पाए। तो ये मेरी सौभाग्य की बात थी। और दो दिन बाद डॉक्टर के पास जाए गए डांट लगा मुझे कि आपको तो 111 कॉल करके सीधे मेडिकल मोड चले जाना चाहिए था क्योंकि बहुत ज्यादा आप बीमार हैं। लेकिन मैंने उनसे निवेदन करा कि हम किसी तरह से एडमिट नहीं हो सकते हैं इतना ज्यादा मेरे टाइम स्केड्यूल है। तो उन्होंने फिर नेबलाइजर रूम में मुझे 4 घंटे रखे हैं जिससे मेरी अंदर की जितने दर्द सी ठीक हो गए एंटीबायोटिक्स के माध्यम से। आज दूसरी दिवस है जो मैं कुछ बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और बैठूंगा आपके साथ प्रोग्राम के बारे में पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की। मेरे और भाई लोग हैं जो आज अपॉर्चुनिटी दिए हैं लेकिन कल से हमारे सानिध्य में होंगे कल हमारे साथ में होंगे। आज आइए चले मैं आपको किष्किंधा कांड की कथा में ले चलता हूँ
और मैंने अकेला भैया से पूछा नहीं था और मैं खुद नहीं जानता था कि क्या कथा होगी आज। यहाँ आए तो लगा आज हनुमान जी कथा सुनेंगे, लेकिन सुंदर कांड बाटे ने किसके कांड है, एक कांड पहले जहां हनुमान की उत्पत्ति की कथा कही गई है, जहां से श्री भगवान राम और हनुमान जी पुनः एक बार मिले। इससे पहले कहां मिले थे नमन बेटा? अयोध्या जी में, याद है ना, शिव जी आए थे इसी हनुमान जी को लेकर के, और दोनों राम जी और हनुमान जी इतना खेल रहे और जब विश्वामित्र मुनि महाराज तो राम जी और लक्ष्मण जी को ले जाने लगे, तब फिर क्या हुआ आपको बताया, हनुमान जी उछल उछल करके रोने लगे और बहुत निवेदन पर श्री राम जी के कहा कि मारुति तू जा किष्किंधा में रहो, पंपा सरोवर में रहो और मैं तुम्हें मिलने के लिए वहीं आऊंगा। बेटा को ऊपर तो नहीं है, ओके आइए, एक मेरी निवेदन होगी प्लीज, आप ताली जो रिदम में बजाए ताली तो वही बजाए, लेकिन ताली बजाए ठीक, और जय में कंजूसी ना करे, जो जय में कंजूसी करता है वो जय नहीं, जो जय बोलने में कंजूसी करता है अगले जन्म उनकी क्या होती है, उत्तरकांड बोल के पढ़ लेना आपको पता लग जाए, मैं बोलूंगा नहीं ठीक है। आइए भाव से सब गाए, श्री राम जय राम जय जय सेवा करेगी और मतक ऋषि इतना प्रसन्न हो गए थे, मतंग ऋषि दिव्य पुरुष है और वो पृथ्वी को छोड़ करके जाने लगे अपने सूक्ष्म शरीर से, मैया हाथ जोड़ करके मतंग ऋषि के आगे जीवित बचे हुए हैं। बोले क्या, जिसको संसार के बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञानी मुनि बन नहीं पाते वो तेरे घर चल करके एक दिन आएंगे, इसी से भैया सबरी नित्य प्रतिदिन I'm
आगे मुझ बढ़ेगा प्रसंग। नवदान अति प्रसंग जो है बहुत अद्भुत है, लेकिन हम आने जाएंगे। सिर्फ इतना बता दें आपको कि माँ सबरी को वो तत्व का दे करके अपने आप को मैया ने कहा कि मैं अधम के अधम के अधम का मतलब है मैं सबसे गिरी हुई जाति के औरत हूं। लेकिन क्या भगवान इसको मानेंगे? नहीं। उसने कहा जाति पाति कुल अपने धर्म की बड़ाई करता है, वो मेरे प्रिय नहीं। मैं तो सिर्फ भक्ति का नाता मानता और भक्ति का वरदान देकर के मैया को बप्पा सरोवर का पता लगा करके कहा श्री कृष्ण महाराज ऋषि वो पर्वत पर रहते हैं, वो अगरबत्ती मोल जाता है। आज और कल में हम जरूर बताएंगे कि बाली क्यों नहीं आ सकता है।
लेकिन अभी फिलहाल इतना जान लो कि शिवलिंग छोटे भाई अपने बड़े भाई बाली से डरता है। अगर बाली के द्वारा दोनों भीगे गए हैं तो इशारा कर देना हम भाग जाएंगे, बस ऐसा उन्होंने हनुमान जी को कहा। और ऐसे करो ना हनुमान जी, ये बानर वाला जो रूप है ये हटाओ। बोले तब क्या करूं? बोले साधु बनो। और साधु क्यों बने? क्योंकि साधु से तो काम बिगड़ने वाला नहीं है, बताया ना आप सबको। राजा तू बन बिचरे हो स्वामी। कौन
कि आप दोनों ऐसे इस बिया मन में घूम रहे हो। जब ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो अभी राम जी तो कुछ नहीं बोले हैं, अभी तो सुन रहे हैं हनुमान जी क्या बता रहे हैं। अब आप ताली लगाओगे हमारे साथ में। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 फिर
बोला कि तुम तीन देवा माँ को तुम ब्रह्मा और विष्णु और महेश में से तो तीनों में से तो तुम लोग दो तुम नहीं है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, नर और नारायण का भी तो भगवान का अवतार हुआ है, इसलिए तुम नर और नारायण की तुम दो। फिर दुआ में क्या बोला कि जग कारण तारण भव ही भंजन धरणी भार। अब सुनना, हमारे मुख्य यजमान, हमारे ग्रह के श्रोता, हमारे जो घर के स्वामी है, उनका नाम कैसे आया कि तुम अखिल भुवनापति। अब प्रभु ने सोच लिया इसके नाम क्यों नहीं आए, आएगा तुम्हारा नाम की बात में आएगा कि तुम अखिल भुवनापति लीन मनुज अवतार। हनुमान जी ठीक ठीक गेस कर रहे हैं लेकिन सही बात गेस नहीं कर पा रहे हैं, सही बात जान नहीं पा रहे हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, लेकिन जब तक प्रभु कहते ना जो कोई कपट रूप धर करके मेरे साथ में आता है उसको तो मैं बिल्कुल नहीं जनाने देता कि मैं कौन हूँ। हनुमान जी किस रूप में है अभी? साधु रूप में। क्या हनुमान जी का सही रूप है? नहीं, हनुमान जी तो सब कुछ बन जाते हैं क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है, तो हनुमान जी कुछ भी बन सकते हैं। हनुमान जी विप्र बन सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग बोले हनुमान जी कौन है, अतुलित बल धामम हेम शैलाम देहम धनुज पट कृषाणम ज्ञानी नाम अग्र गण्यम। हनुमान जी वो है, हनुमान जी बहुत प्यारे हैं, बहुत बड़े हैं। बेटा एक सुंदर सा भजन सुनाओ ना, हम आगे बढ़ते हैं कथा में। सबसे आस लगाई है हम कब तक रहेंगे तर से दुख के बाद सज दे नहीं दुख के बाद सज दे नहीं कब सुख बन से कृपा करो के बाद
जानबूझ नर करही
डाली तो डूबक जाए, आ नहीं पाई। उतना डूबता है ना उनको नीचे नहीं मिलता जमीन, इतना डूब जाता है जो जानबूझ कर ऐसा गलती करता है। अब यहाँ प्रसंग ये पैदा हो गया कि अब ना तो नर और नारायण है, भंजन का भार उठाने के लिए हो, भंजन हार ने भरनी को उतारने के लिए क्या तुम अवतार तो नहीं लिए हो? सही सही जा रहे हनुमान जी। अब तब राम जी इतने सुनते सुनते अब क्या बोला, बिहसी बोले रघुवंशी शांति करा भवंतो, ये मंत्र बोल करके जल
और तेरे जीवन में कोई एक अनहोनी नहीं होगी, कोई घटना नहीं घटेगी। एक दिन बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला आश्रम पर कहा कि बेटा तू काम करो, तू जाकर के संविधाओं की लकड़ी ले आओ, हम लोग यज्ञ करेंगे। और संविधा की लकड़ी बटोरने के लिए वो जंगल में गया और अचानक इतना बड़ा खूंटा उसके पैर में अंदर फंस गया, लहू लहान हो गया खूंटे को निकाल करके बाहर, और वो लकड़ियों का बोझा सर पे रख करके बड़े मुश्किल से आश्रम पहुंचता है। लकड़ियों का बोझा यज्ञशाला में रख करके गुरु जी के पास गया। गुरु जी ने देखा, बड़ा बहुत तकलीफ में बेटा, क्या बात है? बोले इतना गंभीर चोट लगा है गुरु जी। बोले आप कह रहे थे नवग्रह का जल दो कुछ नहीं होने वाला है, बोले देखो कितना बड़ा चोट लगा है। गुरु जी त्रिकाल दर्शी थे, तीनों समय को बात को जानने वाले थे। उन्होंने ध्यान लगा करके देखा और गुरु जी रोने लगे, गुरु जी के आंखों से आंसू बहने लगे। बोले बेटा तू धन्य है, बेटा तू धन्य है। अरे गुरु जी कैसा धन्य है, लहू लुहान हूं मैं बहुत पीड़ित हूं प्रभु। बोले बेटा 10 मिनट और तुम उसी मार्ग पर जाते, आज तेरी मृत्यु निश्चित थी। एक पेड़ गिरता जिससे तेरा मृत्यु हो जाती, लेकिन आज मृत्यु से तू बच गया है, खाली चोट लगा है। ये गंभीर बात है, सोचने वाली बात है। हम कभी कभी बोलते हैं क्यों हमारा ना, भगवान कहते हैं बेटा जो लिख दिया गया है प्रारब्ध में वो होकर के रहने वाला। यहां राम जी को भी नहीं छोड़ा, क्या बताया, कौशलेश दश रथ के जाए। संतान हम उनके पुत्र हैं, हम पितु बचन मानी बन आए। पिता के वचन को निभाने के लिए, क्योंकि पिता का वचन तो नहीं था, पिता नहीं चाहते थे कि बन जाए, लेकिन केकई मैया तो चाहती थी ना, केकई मैया के वचन को पूरा करने के लिए पिता आज्ञा को लेना पड़ा। और तब कहा नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहां हरि निशिचर बैदेही विप्र फिराऊं हम खोजत ते ही। ये बड़ा दुखी घटना है, मां सीता को हरण हो गया है, मां सीता को कोई निश्चर कोई राक्षस हर ले गया। हे प्रभु, हे विप्र, हम दोनों भाई अपने भारिया और इनके भाभी को खोजने के लिए हम निकले हुए हैं। आपन चरिता कहां हम गाई, हम तो कह दिए कि हम कौन है, कहूं विप्राणी जग कथा बुझाई। अब तेरी बारी है ना, इंट्रोडक्शन एक तरफ नहीं होते हैं, दोनों तरफ होते हैं। अनजान व्यक्ति मिलते हैं तो हाथ मिलते हैं, भले मिलते हैं, अपना परिचय देते हैं। और यहां हनुमान जी से अब राम जी पूछ रहे हैं और दो चौपाई, फिर इसके बाद में कथा विराम पर जाएगी। आइए हम सब गाएंगे। Oh, 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 oh
प्रभु पहचानी परो गई शरणा सो सुभु नाच Thank you.
काजी श्री अरुषारद वरण Thank you.
तुम सभी स्वामी हो चले Thank you.
Thank you.
क्या देंगे आपको।